रिमा जी, अगला सवाल थोड़ा सा निजी है लेकिन जरूरी है, इसलिए पूछने से पहले माफी चाहता हूं। आपका और अखिल जी का क्या रिश्ता था? वही जो एक आर्टिस्ट और एक डायरेक्टर के बीच में होता है, प्रोफेशनल रिलेशन। ये आप किस तरह के अजीब से सवाल कर रहे हैं? मेरा सवाल अजीब नहीं है रीमा जी, आपका जवाब अजीब है। ये फोन अखिल जी का है, उनके घर से मिला, और इस फोन में आपको की गए सारे कॉल्स रिकॉर्डेड हैं। कुछ एसएमएस मिले और साथ में कुछ इंटरमेट वीडियोस भी। ओ जाके बप्पो की भैंस। तो इन एसएमएस और वीडियोस के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? क्या जानना चाहते हैं? यही कि राजन से शादी करने से पहले मेरा और अखिल का अफेयर था, और जो आप ये इंटीमेट वीडियोस के बारे में बात कर रहे हैं उसको लेके वो मुझे हर बार ब्लैकमेल करता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अखिल का मर्डर किया है। मैं जानता हूं कि आपने उनको नहीं मारा है, क्योंकि अगर आपका इंटेंशन उनको मारने का होता तो आप कब का उनको मार चुकी होती। बहरहाल, मिस्टर राजन को इस बारे में पता है? जी, राजन को मेरे और अखिल के रिलेशन के बारे में पता है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वो मुझे ब्लैकमेल करता था। कल रात पार्टी में आपको अखिल जी का फोन आया, क्यों? वही, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, और इसीलिए उसने कल मुझे कॉल करके रूम में बुलाया था। राजन ने तुम्हें फिल्म डायरेक्ट करने का मौका दिया है अखिल? अरे तो एक ही बार दिया ना मौका, वो फिल्म फ्लॉप हो गई, उसके बाद तो मुझे कोई चांस नहीं दिया ना। आज भी उसने दो मूवीज अनाउंस की है, एक में तो मुझे डायरेक्टर ले ही सकता था ना। देखो अखिल, ये तुम दोनों के बीच का मामला है, मैं राजन की प्रोफेशनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती। अच्छा, लेकिन मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ में दखल दे सकता हूं। मैं सोच रहा हूं तुम्हारी ये मूवी रिलीज होने के पहले ये वीडियो रिलीज हो जाए तो कैसा रहेगा? अखिल, तुम मुझे इस तरह से क्यों ब्लैकमेल करते हो? क्योंकि तुम दोनों ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल करूं। मुझे इस तरह इग्नोर करके तुम्हारे उस पति को क्या लगता है कि मैं मूवी डायरेक्ट नहीं कर सकता? हाँ, तुम्हारे ये वीडियोस जब वायरल हो गए ना, तब उसे पता चलेगा कि मेरे डायरेक्शन में कितना दम है। अखिल, प्लीज तुम ऐसा कुछ मत करना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। देखो अखिल, मैं तुम्हें इतने पैसे नहीं दे सकती हूँ, तुम्हारी हर बार की धमकी से तो अच्छा है कि मैं सुसाइड करके अपनी जान दे दूँ। तो कर लो सुसाइड, किसने मना किया है, दे दो अपनी जान। तुम्हें पता है तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा वो पति राजन जब दर दर की ठोकरें खाएगा, लोगों के पास जाके तड़पेगा, गिड़गिड़ाएगा, तो मुझे उसमें भी बहुत मजा आएगा। चॉइस इज योर्स, 20 करोड़ या सुसाइड, दोनों ही सूरतों में प्रॉफिट मेरा ही है। बाय। तो आपने राजन जी से ये बात शेयर की? जी नहीं। अखिल और राजन जी का रिश्ता कैसा था? मतलब कहीं आपके पास्ट को लेकर, आपको लेकर उन दोनों के बीच में नफरत? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि राजन इज सच अ स्वीट हार्ट, उनको हमारे बारे में सब कुछ पता था, उसके बाद भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। दोस्त मतलब कैसे दोस्त थे? जय बीरू टाइप के या लंगोटिया टाइप के, या काके वगैरह अंग्रेजी में बेस्ट बॉडीज टाइप के? बेस्ट बॉडीज नहीं होता, बेस्ट बडीज। अखिल के घर में राजन का आना जाना था, बल्कि उनके एक्सीडेंट के बाद जब उनकी आंखें चली गई थी, मैं खुद उनको लेके जाया करती थी, एवरीथिंग वाज नॉर्मल। हो सकता है कि अखिल की दुश्मनी किसी और के साथ हो। गुड पॉइंट मैडम। हो सकता है, बट आई डोंट नो अबाउट इट। रीमा जी, अखिल जी की कोई बात जो आपको कभी अजीब लगी हो, कोई ऐसी हरकत, कोई आदत जो आप पुलिस के साथ शेयर करना चाहती हैं? मैं ज्यादा तो कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ, उसकी दो बातें बहुत अजीब थी। एक तो वो अपने घर के ड्रॉअर में
बिना लॉक किए गन रखता था और दूसरा वो अपने घर की चाबी अपने घर के बाहर डोर पे वेलकम मैट के नीचे रखता था। जब हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे मैंने उसको कई बार समझाया था कि ये सब सेफ नहीं है, लेकिन वो बोलता था कि मेरे घर में चुराने के लिए कुछ भी नहीं है और जो था उसको राजन ने पहले ही चुरा लिया। क्या इमा जी, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कोऑपरेशन, हम चलते हैं। आराम दे, आराम दे, देख के नहीं देखे, गिर मत जाइए, नीचे कालीन भी बिछी हुई है, मैं बात सुन रहा हूं। चुप जा, तू देख के चलना उनको क्या डिस्टर्ब कर रहा है। थैंक यू। यू वेलकम। थैंक यू। कर रहा है तू? राजन जी, आपको देखकर लगता नहीं है कि मैं देख नहीं सकता। आदत सी होगी है ना देखने की, जब से उजाले ने साथ छोड़ा है मैंने अंधेरे को अपना साथी बना लिया है। गुड डायलॉग ना। एक्चुअली घर में और जहां भी मैं रेगुलरली जाता हूँ वहां पे सारे स्टेप्स मैंने गिने हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मुझे सब पता है। तो जब इनको सब पता है तो इनको ये क्यों ना पता कि हम भी यहाँ पर मौजूद हैं? हमारी ड्रिंक कहाँ है? तू पार्टी में आया क्या? नहीं। ये कैसा नहीं है? मतलब हाँ है? मतलब ना, पार्टी में ना आए। पार्टी में ना आए ना, तो फिर चुप करके बैठ जा, वो वाली पर्वत की चोटी पे जाके बैठ जा, वो वाली जा। तो राजन जी, जैसा कि आपने बताया कि आपको सब कुछ पता है, तो फिर क्या आपको ये भी पता है कि आपकी बीवी का डायरेक्टर अखिल के साथ अफेयर चल रहा था? जी बिल्कुल पता है मुझे, अखिल वॉज अ पास्ट, उसका बॉयफ्रेंड हुआ करता था, बट यू सी आई एम हर प्रेजेंट, मैं उसका हस्बैंड हूँ। और अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं तो ये भी कह सकता हूँ रीमा के बारे में कि उसकी जिंदगी मुझसे ही शुरू होती है और मुझ पर ही खत्म होती है। इसका मतलब आप सब कुछ जानते हैं तो आपने रीमा जी से अखिल के बारे में कभी बात नहीं की? यू सी चमकू मैम, पास्ट इज पास्ट, जो बीत गया वो बीत गया, और फिर अखिल के बारे में मैं रीमा से बातें करूंगा शी विल बी एम्बैरेस्ड, और वो सब मुझे नहीं करना है। हाउ स्वीट, ऐसे आप बहुत ही लविंग हस्बैंड हैं। यस दैट आई एम, इन फैक्ट हर पति का फर्ज होना चाहिए। मारो तो कोई फर्ज भी ना है, फिर भी हम इनकी लुगाई से बहुत प्यार करें। एक्सक्यूज मी डीआईजी? मतलब वैसे नहीं, मतलब इनकी लुगाई के काम थे, अदाकारी थे, एक्टिंग थे, अरे हम बहुत बड़े फैन हैं उनके, उनकी हर पिक्चर देखी है हमने, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। बट यू डोंट शो मी योर फेस आफ्टर दिस। तो साहब, इंस्पेक्टर साहब का ड्रेस लॉन्ड्री में दे दूं क्या? किसने कहा था इस ड्रेस को बाहर निकालने के लिए? साहब ये ड्रेस बाहरी थी। क्या बाहरी थी, जाइए अंदर, आइंदा हाथ मत लगाइएगा इस ड्रेस को। एक्सक्यूज मी, मैं थोड़ा भावुक हो गया, देयर इज अ स्टोरी टू इट। मेरी जो हिट फिल्म थी कानून का शिकंजा, उसमें हीरो ने ये ड्रेस पहनी थी इसलिए। साहब मैं जाऊं? नहीं, मुहूर्त निकालता हूं मैं। साहब मैं जाऊं? नहीं, नारियल फोड़ता हूं, अपने सर पे फोड़ता हूं मैं। एक बार कितनी बार दोहराऊं मैं, जाइए आप, और आइंदा हाथ मत लगाइए उसे। जी सर। ये साहब रोज रात अकेले ही टहलते हैं और पूरा एक घंटा वॉक करते हैं साहब। तो उन्हें अकेले जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है? शुरू में होती थी लेकिन अब नहीं होती है, अब तो उनको सारे रास्ते और मोड़ पता है ना। अच्छा, और कभी कोई मीटिंग में जाना होता था बाहर कहीं तो कैसे जाते थे? तब साहब कार में जाते हैं ड्राइवर को लेके। और कभी अगर कार खराब हो या फिर ड्राइवर छुट्टी मार ले तो? तब तो साहब अकेले चले जाते हैं ना साहब, वो बंगले के पीछे ऑटो स्टैंड है ना, वहाँ से ऑटो लेके अकेले चले जाते हैं। अब सबसे ज्यादा जरूरी सवाल। जी सर बोलिए। कोई को अगर भूत लगी हो तो कौन सी झाड़ी के पीछे जाना चाहिए भैया, जल्दी बताओ, भूत लगी है।
अरे साहब उधर चले जाइए ना, वो वहाँ दो पत्थर रखे हैं ना, अरे उस पे नहीं चढ़ना है। हाँ उसके पास में शौचालय है, उसमें सोच करना, सोच हमेशा शौचालय में ही करना चाहिए। हाँ यही सिखा लो सारी। ठीक है। हाँ क्या? अरे मैडम जी कछु को तो चलो, आधे घंटे से जलेबियां तल रहे लेकिन अब तक मुंह मीठा नहीं हुआ। ए, हिंदी में ही बोल लो मैडम। कछु नहीं पता, चलो चलो। आपने इस आदमी को देखा है क्या? हाँ ये राजन साहब हैं, यही पीछे बंगलों में रहते हैं। अच्छा तो ये कल रात को यहाँ आए थे क्या? नहीं आए थे साहब, 11:30 बजे एक पैसेंजर मिला था तो मैं बैंड्रा पाली हिल निकल गया था। पैसेंजर? हाँ जी। तुम्हारा पैसेंजर दिखता कैसा था? दाढ़ी मूछे वाला पुलिस इंस्पेक्टर था। अच्छा ठीक है, थैंक यू चमकू, हमें बैंड्रा चलना होगा, पाली हिल लेट्स गो। एक बार बताइए कि कल रात यहाँ पर कोई पुलिस वाला आया था क्या, दाढ़ी मूछ वाला? हाँ साहब। कितने बजे आए थे वो? रात 12 बजे। और कौन से फ्लैट में गए थे? साहब वो तो पुलिस वाले थे इसलिए हमने उनसे पूछा नहीं और ना ही रजिस्टर में एंट्री करवाई। ये तो गलत बात है गई। अरे पुलिस वाला ही तो हो तो कोई हवा थोड़ी ना, तो जो एंट्री ना करवाई। आगे से अगर कोई पुलिस वाला भी आए तो एंट्री जरूर करवाना, और कम से कम ये तो पूछना ही पूछना कि कौन से थाने से आया था। आप कौन से थाने से आए साहब? पुलिस वालों से सवाल करता है? डीआईजी। सॉरी सर। मुझसे नहीं इनसे बोलो। सॉरी वॉचमैन। इट्स ओके। अच्छा यहाँ ऑटो कहाँ मिलेगा? इधर नहीं मिलता है साहब, यहाँ से 5 मीटर की दूरी पे एक मोड़ है, वहीं से मिलेगा ऑटो। सर जी पैर छूने की क्या जरूरत है, हमारे आशीर्वाद का हाथ हमेशा आपके साथ रहेगा। और तू ऐसी बेकार की बातें करेगा ना तो मेरा हाथ हमेशा तेरे गाल पे बना रहेगा। चंकू ये नेम प्लेट देखो, संजय इस कदम हो ना हो इस राजन ने ही डायरेक्टर अखिल का मर्डर किया है, कंफर्म। वेलकम इंस्पेक्टर आदित्य, वेलकम। मिस्टर राजन आपको कैसे पता चला कि ये मैं हूं? इंस्पेक्टर आदित्य। एक पुलिस वाला ही बिना परमिशन के किसी के घर आ सकता है। क्यों? चोर और कातिल भी तो घुसते हैं बिना परमिशन के, जैसे कातिल डायरेक्टर अखिल के घर में घुसा और फिर जाके उनका मर्डर कर दिया विदाउट परमिशन। मर्डर? क्या कह रहे हैं आप इंस्पेक्टर? मैंने तो सुना है कि अखिल ने सुसाइड किया। ऐसा लोगों को लगता है। तो फिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि उसका मर्डर हुआ है? क्योंकि मिस्टर अखिल लेफ्टी थे और गन उनके राइट हैंड में मिली। कातिल बहुत ही समझदार था, वो मिस्टर अखिल को अच्छी तरह से समझता था और जानता था, और ये तक पता था कि मिस्टर अखिल अपनी गन रखते कहां पर है। लेकिन शायद कातिल से एक गलती हो गई, गलती से वो लेफ्ट हैंड की जगह गन राइट हैंड में पकड़ा के निकल गया। लगता है कातिल को एक कच्चा खिलाड़ी था। I'm sure इंस्पेक्टर आदित्य कि बहुत जल्द आप उस तक पहुंच जाएंगे। बस यूं समझ लीजिए कि पहुंच ही गया। कातिल बहुत ही चालाक था, बड़ी चालाकी के साथ उसने कत्ल किया, लेकिन साथ ही साथ पुलिस डिपार्टमेंट का ईगो भी हर्ट किया। जिस वर्दी को देखकर बड़े से बड़े क्रिमिनल्स की रूह कांप जाती है, उसने उसी वर्दी को पहन के क्राइम किया। खैर हमने इन्वेस्टिगेशन की तो कुछ खास चीजें मिली हैं। जैसे कि hmm,
क्या है ये? आप पूछ रहे हैं क्या है ये? आप पहचान नहीं पा रहे हैं? मिस्टर राजन, अचानक से आपके सेंसेस ने काम करना बंद कैसे कर दिया? ये नेम प्लेट है, इसके ऊपर लिखा हुआ है संजय एस कदम। आपकी सुपरहिट फिल्म में हीरो का नाम भी संजय एस कदम ही था। खैर छोड़िए, आपको ये तो कम से कम याद होगा कि पार्टी के बाद आप ऑटो रिक्शा लेके कहाँ गए थे। क्या कहना चाह रहे हैं आप? जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं मिस्टर राजन? क्या मैं अपने आप को ठीक तरह से समझा पा रहा हूँ? ठीक है तो खुल के बोलता हूँ, डायरेक्टर अखिल का कत्ल और किसी ने नहीं बल्कि आपने किया है मिस्टर राजन। मैंने? जी हाँ, क्योंकि वो आपकी बीवी रीमा को ब्लैकमेल कर रहा था इसलिए। Ah, is that so? I must say, Inspector Aditya, कि कहानी काफी अच्छी बुन लेते हैं आप। In fact, I must say कि इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़कर आपको राइटर बन जाना चाहिए। इमेजिनेशन बहुत अच्छी है आपकी। मेरी इन्वेस्टिगेशन मेरी इमेजिनेशन से कहीं गुना अच्छी है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ मिस्टर राजन कि आपने नेत्रहीन होने का कितना बड़ा फायदा उठाया। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि आपके इस खेल पे से पर्दा मैं उठाऊंगा। कैसे उठाओगे इंस्पेक्टर आदित्य? कैसे कैसे? अच्छा चलो, एक पल के लिए मान लेते हैं कि मैंने ही अखिल का मर्डर किया, लेकिन दुनिया को कैसे समझाओगे, कैसे भरोसा दिलाओगे कि एक नेत्रहीन इंसान किसी का मर्डर कर सकता है? आओ, और कानून, तुम्हारा कानून तो मेरी तरह है, उसकी भी आंखें नहीं है। अपनी तुलना कानून से नहीं करें तो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा मिस्टर राजन। और जहां तक बात रही साबित करने की, तो जब सबूत चीखते हैं तो आंखों की जरूरत नहीं पड़ती, सबूतों की चीख में बहुत ताकत होती है। जल्द मुलाकात होगी। बाय इंस्पेक्टर आदित्य, गुड लक। क्या अखिल को राजन ने मारा है? यस सर, क्योंकि राजन के पास मोटिव भी है। अब तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करेगा और कोर्ट भी यकीन नहीं करेगा कि एक नेत्रहीन किसी का मर्डर कर सकता है। मामू, लेकिन कोड़े सिंह जी के बात पर मुझे यकीन है। इन्होंने जो शक की चटनी बनाई है उसके दाग राजन जी के शर्ट पर मुझे साफ साफ नजर आ रहे हैं। चलो मैं मान लेता हूँ तुम्हारे शक सही भी है, लेकिन कोर्ट में कैसा प्रूव करेगा? उसके लिए मेरे पास एक प्लान है और उस प्लान के बाद ये साबित हो जाएगा कि राजन ने ही मर्डर किया है। कैसा प्लान? सुनिए। सुनाओ। आवाज कानों तक पहुंची? बहुत जोड़ते हैं। तो आप वहां खड़ा होगे, सुन। प्लान ये है कि सीडी में क्या है? इसमें जो है वो राजन जी के लिए जानना जरूरी है। डीआई जी। अम्बेसर। सीडी प्ले करो। अम्बेसर। ये तो गलत बात है गई सर। नहीं मतलब हम सीडी प्ले तो कर देंगे पर ये देखेंगे कैसे? उसकी चिंता तुम मत करो। जब तुम सीडी प्ले करोगे तो साथ में कमेंट्री इन्हें मैं सुनाऊंगा। ओ अच्छा, वैसे हाँ। तो मिस्टर राजन, इस खेल की शुरुआत आपके पार्टी के खत्म होने से हुई। जब आपकी पार्टी खत्म हो गई तब आप अपने कॉस्ट्यूम रूम में गए और वहां जाने के बाद आपने एक पुलिस का गेटअप लिया और उसके बाद अपने बंगले के पिछले वाले गेट से सीधा ऑटो रिक्शा स्टैंड की ओर। इंस्पेक्टर आदित्य, आप बोलना क्या चाहते हैं? नहीं नहीं, मतलब क्या है आपका? आप इनडायरेक्टली ये बोलना चाहते हैं कि अखिल का मर्डर मेरे हस्बैंड? इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली कह रहा हूं।
जस्ट वेट एंड वॉच. और जो मैं कह रहा हूं मैं सबूत के साथ साबित भी कर सकता हूं. नाउ इफ यू कुड प्लीज लेट मी डू माई जॉब. और अगर आपका अंदाजा गलत निकला तो मैं आप पर मानहानि का दावा करूंगा. एक ऐसा इंसान जो देख भी नहीं सकता है उस पर इतना संगीन इल्जाम लगाने के जुर्म में मैं आपको कोर्ट तक घसीट के ले जाऊंगी, ये याद रखना. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज.